और दिल्ली के रोहिणी स्थित ईएसआई अस्पताल में 1 से 15 मई तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के समापन हो गया है। कार्यक्रम के तहत जनता को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया है और साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील भी की गई है। स्वच्छता पखवाड़े में जन जागरण में सहयोग करने वाले लोगों को अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। ईएसआई अस्पताल में स्वच्छता पखवाड़े का समापन हो गया है और जनता को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया है। इस दौरान हमें पिछले 15 दिन से 1 मई से 15 मई तक ये स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और आज उसका समापन है। तो इस दौरान हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी हैं। सबसे पहले हमारा पहले दिन हमने प्लेज लिया हमारे पूरे स्टाफ ने कि किस तरह से हम जो है कोशिश करेंगे कि कम से कम हम जो है इस तरह का कचरा या हमारे काम की जगह पे सफाई कैसे मेंटेन करना है। और यही चीज़ हमने वार्ड में जाके हमारी जितनी नर्सेज हैं उन्होंने वार्ड के पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को भी ये प्लेज दिलवाया कि वो भी देखें कि वो किस तरह से अपने आप के आसपास साफ़ सफाई रखें, कचरा बिना कारण जनरेट ना करें या उसको सही जगह पर डिस्पोज किया जाए। तो जिस तरह से हम एक से एक दूसरे को बोलते रहेंगे तो आगे ये बातें फैलेंगी।